सलमान खान की फिल्म किसी की भाई किसी की जान जो 21 अप्रैल के दिन आप लोग के नजदीकी सिनेमाघरों में दस्तक दिया है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इंडिया नेट कलेक्शन, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन, ओवरसीज कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में आप लोग को रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जो ट्रेड एक्सपर्ट ने इस रिपोर्ट्स को पेश की है, जो बेहद लाजवाब है, जिसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6 के भी आप लोग को रिपोर्ट्स बताने वाला हूँ, जिसमें डे 1 से डे 5 तक आप लोग को क्लियर रिपोर्ट बताऊंगा और डे 6 को लेकर कलेक्शन प्रेडिक्शन आप लोग के सामने पेश करने वाला हूं। तो आप लोग को बताना चाहूंगा जो किसी के भाई किसी की जान जो बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से धमाल मचा रहे हैं, बेहद कमाल का रिस्पांस मिल रहा है, फैंस लगातार एंड इसके टिकट लगातार बुक कर रहे हैं, पब्लिक लगातार जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ इस फिल्म को एंजॉय करने के लिए। और इस फिल्म के पहले वीकेंड 3 दिनों का था और दूसरे वीकेंड में ये फिल्म एंट्री कर ली है, लगातार चल रही है बॉक्स ऑफिस पे। आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा जो इस फिल्म ने डे 1 के दिन इंडिया नेट कलेक्शन 15,81,00,000 रुपए की कमाई किया, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 18,82,00,000 रुपए की कमाई किया, ओवरसीज कलेक्शन में इस फिल्म ने 6,56,00,000 रुपए की कमाई किया और वर्ल्ड वाइड इसके 25,38,00,000 रुपए की रिपोर्ट्स क्लियर की गई थी। डे 2 के दिन इस मूवी के इंडिया नेट कलेक्शन 25,75,00,000 रुपए की रिपोर्ट्स क्लियर की गई थी, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 30,66,00,000 रुपए की और ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 4,11,00,000 रुपए की कमाई किया। वहीं वर्ल्ड वाइड इसके रिपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिला, मतलब 34,77,00,000 रुपए की रिपोर्ट्स क्लियर की गई। वहीं डे 3 के दिन बात करें तो एक और बड़ा जंप था, रविवार के दिन था तो बेशक जंप होना ही था और ईद का मौसम छाया हुआ था, 26,61,00,000 रुपए इंडिया नेट कलेक्शन रहा। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 31,67,00,000 रुपए की रिपोर्ट्स क्लियर की गई, ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 11,48,00,000 रुपए की कमाई किया, मतलब विदेशों में भी काफी गजब का तहलका मचाया। वहीं इसके वर्ल्ड वाइड जहां तक कलेक्शन रहा तीसरे दिन का 43,15,00,000 रुपए की। वहीं ये दूसरे वीकेंड में एंट्री कर ली इस फिल्म ने तो इसके चौथे दिन का जो कलेक्शन था इंडिया नेट कलेक्शन 10,17,00,000 रुपए की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 12,11,00,000 रुपए की, ओवरसीज कलेक्शन 10,67,00,000 रुपए की और वर्ल्ड वाइड इसके 22,78,00,000 रुपए की, मतलब ये फिल्म चौथे दिन भी बहुत ही गजब का झकास कलेक्शन किया। वहीं इसकी पांचवे दिन की कलेक्शन के बारे में बात करें तो इंडिया नेट कलेक्शन 9,00,00,000 रुपए की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 11,00,00,000 रुपए की और ओवरसीज कलेक्शन 9,00,00,000 रुपए की और इसकी वर्ल्ड वाइड 20,00,00,000 रुपए की रिपोर्ट्स क्लियर की गई है। ये ट्रेड एक्सपर्ट के तरफ से रिपोर्ट्स हैं, जिसमें साथ में ये भी मेंशन है कि छठे दिन जिस तरह की इसके एडवांस बुकिंग हुई है उस मुताबिक ये फिल्म की जो कलेक्शन का जो प्रेडिक्शन है वो बता रहा हूं, इंडिया नेट कलेक्शन 8,00,00,000 रुपए की कमाई करेगी, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 10,00,00,000 रुपए की और ओवरसीज मार्केट में 8,00,00,000 रुपए की कमाई करेगी, टोटल इसकी वर्ल्ड वाइड 18,00,00,000 रुपए होती है। वहीं इसके 1 से 6 दिनों की कलेक्शन देखें तो आप लोग को बताना चाहूंगा इंडिया नेट कलेक्शन 95,34,00,000 रुपए की कमाई हुआ, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 114,26,00,000 रुपए की कमाई हुआ, ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 49,82,00,000 रुपए की कमाई किया। वहीं इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होते हैं 164.08 करोड़ रुपए। वेल, इस फिल्म की बजट 100 करोड़ रुपए है और इस फिल्म ने टोटल 1 से 6 दिनों की कलेक्शन जो ट्रेड एक्सपर्ट ने पेश की है उस मुताबिक 164 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया इस फिल्म ने। तो सलमान खान का जो स्टारडम है, उनके फैंस के जो चाहने वाले जो प्यार है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये फिल्म ने पहले ही वीकेंड, मतलब 3 दिनों का वीकेंड था और ये फिल्म ने अपनी बजट को रिकवर करते हुए ब्लॉकबास्टर का टैग ले लिया। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबास्टर हो जा चुका है, ये फिल्म ने गजब की कलेक्शन की है और काफी रिकॉर्ड तोड़ जलवा देखने को मिला है। वेल, इस तरह की रिपोर्ट्स देखने के बाद को क्या लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आगे कितने करोड़ रुपए की कमाई करेगी, इस पर अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए। आगे भी आप लोग को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स मिलेंगे, कोई और भी मूवी आएगी उस मूवी से रिलेटेड भी अपडेट मिलता रहेगा, तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा।